यूपी में ओबीसी की एंट्री, ओबीसी पल्लवी आए साथ, अखिलेश का वोट काटेंगे ओबीसी। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन मार्च खत्म होने से पहले ही अखिलेश यादव, मायावती और एनडीए की टेंशन बढ़ाने का प्लान असदुद्दीन ओवैसी ने बना लिया है। क्योंकि उनकी पार्टी AIMIM की एंट्री हो गई है उत्तर प्रदेश में। AIMIM ने यूपी में पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल कमेरावादी से गठबंधन किया है। माना जा रहा है कि दोनों दल मिलकर 35 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। लखनऊ में दोनों पार्टियों ने मिलकर एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ओवैसी ने सबसे पहले निशाना साधा सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। ओवैसी ने कहा, अखिलेश यादव कहते हैं कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, इसलिए बार बार यूपी में आकर चुनाव लड़ते हैं। वो ये बताएं कि क्या इसलिए डॉक्टर ST हसन का टिकट कटवा दिया? रामपुर के लिए हम ही जिम्मेदार हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। उन्होंने आगे कहा, हमें इस चुनाव तक रुकना नहीं चाहिए, उसे आगे लेकर जाना चाहिए। हमें यकीन है कि यूपी की जनता PDM को सहयोग करेगी। आपको बता दें कि अखिलेश यादव इस लोकसभा चुनाव में शुरू से PDA, पिछड़ा, दलित और आदिवासी एक साथ लाने की बात करते आ रहे हैं और विपक्ष उन्हें अधिकार दिलाने की बात भी कर रहा है। वहीं पल्लवी ने अपने मंच से PDM यानी पिछड़ा, दलित और मुस्लिम नेताओं को एक साथ लाने की कोशिश की है, इसलिए उन्होंने यूपी में साइलेंट चल रहे असदुद्दीन ओवैसी के साथ हाथ मिला लिया है। जब पल्लवी पटेल से पूछा गया कि आप कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, इस पर उन्होंने कहा कि हम दोबारा इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इसकी घोषणा की जाएगी। फिलहाल अभी हमने गठबंधन की घोषणा की है। हमारी रणनीति में मिर्जापुर और वाराणसी है। देश में मौजूदा वक्त अस्थिरता का है, पिछड़े, दलित और मुस्लिमों का शोषण हो रहा है। दमन की नीति के लिए हम सरकार का पुरजोर विरोध करते हैं। बड़ी बात यह है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश को ओवैसी का साथ मिला था। तब ओवैसी बीजेपी की बी टीम नहीं थी और अखिलेश ने आजमगढ़, रामपुर, मुरादाबाद, संभल समेत 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं मुस्लिम वोटर का उन्हें काफी अच्छा साथ मिला, लेकिन अब ओवैसी के साथ अपना दल कमेरावादी के आने से मुस्लिम वोटर्स को नए विकल्प मिल रहे हैं। ध्रुवीकरण की इस सियासत में अखिलेश को पश्चिमी की सीटों से नुकसान उठाना पड़ सकता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में AIMIM ने उत्तर प्रदेश में किसी को नहीं उतारा था, लेकिन फिर भी विपक्ष कमाल नहीं दिखा पाई थी और अब तो वोटर्स को मोदी विरोध में दो दो विकल्प मिल रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि यूपी की 80 सीटों में कौन क्या और कितना कमाल करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।